हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो पहले वाले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। एक एक रिएक्शन हम ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, और सारी रिएक्शन हमें याद भी हो जाएंगी। तो आपको बनाना है 2-ब्रोमोप्रोपेन से एन हेक्सेन, ठीक है। तो बताइए कैसे करेंगे। फिर से वही बात है, एलिमिनेशन करिए पहले अल्कोहलिक के बैच, ये आपको खुद ही सोचना है, आपको सपने नहीं आएंगे, और शायद सपने आने भी चाहिए, है कि नहीं। याद होंगे तभी जाके सपने आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आ पाएंगे। ओके, देन इसमें क्या डालना है आपको, एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है। तो परऑक्साइड डालते हैं तो टर्मिनल अल्काइल हैलाइड बनेगा। देन इसके बाद आप डालेंगे इसमें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मॉइस्चर थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, ड्राई ड्राई सूखा सूखा होना चाहिए, अदरवाइज़ कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, पहले स्टेप में हुआ है आपका एलिमिनेशन, जिससे एल्कीन बना है, अनसेचुरेशन हो गया। उसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड बना, पर टर्मिनल अल्काइल हैलाइड बना है, परऑक्साइड इफेक्ट की वजह से हुआ ये काम, ठीक है। अच्छा, एक बार परऑक्साइड देख लेते हैं क्या होता है। परऑक्साइड की जगह आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, आर ओ आर, ठीक है, ये भी परऑक्साइड है, ठीक है, यही तो परऑक्साइड है, यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज है। परऑक्साइड का मतलब ये है कि ऑक्सीजन पर -1 -1 रहेगा, ये क्या है, ऑक्सीजेशन स्टेट के बारे में बात किया, ठीक है। इसका मतलब हर एक ओ ओ लिंकेज परऑक्साइड लिंकेज होता है, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वाला लिंकेज है, क्या ये परऑक्साइड लिंकेज है? नहीं, यहाँ पे +1 के फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये इस फ्लोरीन पर -1 आएगा, ना कि ऑक्सीजन पर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ जो एटम अटैच है ना, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है, तब जाके हम कह सकते हैं कि वहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये परऑक्साइड इफेक्ट की वजह से आपका टर्मिनल अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। देन इसके बाद आपने जब सोडियम डाला और ड्राई ईथर डाला, तो ये रिएक्शन जो कहलाती है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। ड्राई ईथर इसलिए यूज़ किया है ताकि मॉइस्चर ना रहे, मॉइस्चर होगा तो रिएक्शन कुछ और बन जाएगा, वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ये फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये एन हेक्सेन है क्या, ये भी तो देख लो, एन हेक्सेन बेसिकली ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कार्बन से 6 कार्बन का फॉर्मेशन हो गया है कि नहीं, मतलब डबल हो गया है। इसका मतलब वुड्स रिएक्शन में होता है क्या, डबलिंग हो जाता है, पर किसका डबलिंग हो जाता है, ये अल्काइल पार्ट का, अल्काइल पार्ट ये है, ये हैलाइड पार्ट है, ये अल्काइल पार्ट है। तो अल्काइल पार्ट में 3 कार्बन थे, यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक बार वुड्स रिएक्शन को देख लेते हैं क्या होता है वुड्स रिएक्शन में। तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, कोई भी तो नहीं बोलेंगे पर ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, सोडियम मेटल यूज़ करेंगे और ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, आर आर बन जाएगा और एन ए एक्स हो जाएगा, मतलब जो भी ये आर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं, बेसिकली ज़रूरी नहीं है पर ठीक है, होता क्या है ये देख लेते हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि सोडियम एक ज़्यादा एक्टिव मेटल्स है, मेटल है, ठीक है। एक्टिव मेटल वो होते हैं, रिएक्टिव मेटल वो होते हैं, एक एक्टिव कह लो चाहे रिएक्टिव कह लो, वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ना। यहाँ पर सोच के देखो ना, यहाँ पर 2-8-1 की कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये 2-8 में चला जाए तो इसको मज़े आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया इसने, है ना, 2-8-1, ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ली, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए सोडियम मेटल कोशिश ही करता रहता है कि भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, आर के पास जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से, ठीक है। तो होगा क्या वो देख लेते हैं एक बार। तो आपके पास सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ठीक है, ये किसके पास जाएगा, अल्काइल हैलाइड के पास जाएगा और कार्बन के पास जाएगा, और इस तरीके से बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन इसी का है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है, इतनी समझ में आनी चाहिए बात, है ना। तो जब मैं ऐसे एरो बनाऊंगा तो समझ जाना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही था। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में एक्स माइनस लिख देना है, और आधा डालिए माइनस, जब भी लिखो तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देना चाहिए, ठीक है, ताकि पता रहे कि एक इलेक्ट्रॉन खुद का है इसका और एक इलेक्ट्रॉन किसी और से आया है, ठीक है। ओके,
अच्छा ये इलेक्ट्रॉन अब इसके पास भी तो आ रहा है, इस वाले कार्बन के पास, ये कार्बन है बेसिकली, कार्बन की चेन है ना, समझ रहे हो ना। तो ये बन जाएगा आर डॉट, क्यों डॉट बन जाएगा सोच के देखो। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा हेलोजन, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये आर डॉट की फॉर्म हम लोग ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर डॉट। अच्छा ये काम 2 मोल के साथ होगा, ये 2 ले लो, ये भी 2 ले लो, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो आर डॉट और आर डॉट मिलके क्या बना देंगे, आर आर। इसी वजह से क्या होता है, डबलिंग हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे दिया होता, ठीक है, और आपको सोडियम एंड ड्राई इथर यूज़ करने को बोल देता, तो क्या बनाते आप, एक बार यह साइक्लोहेक्सेन यहाँ बनाते, एक बार यहाँ बनाते और इसको जोड़ देते, बस हो गया ख़त्म, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसी का एक छोटा सा भाई होता है जिसका नाम है फिटिक रिएक्शन, उसको भी देख लेते हैं। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन में देखिए उसमें आप एराइल हैलाइड लेते हैं, मतलब एक एरोमेटिक पार्ट लेते हैं, ठीक है, और उसमें फिर सोडियम डालते हैं ड्राई इथर, ठीक है, ये फिटिक हो जाएगा। अगर आप एलिफैटिक लेते हो तो इसे वुड्स बोलेंगे, ये क्या है वुड्स, और ये क्या है फिटिक, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए फिटिक। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही डबलिंग हो जाएगा, तो ये जो बेंजीन वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्या है, फिटिक रिएक्शन। अच्छा एक और है रिएक्शन जिसका क्या नाम है, वुड्स फिटिक, इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक पार्ट तो एलिफैटिक होगा, एक पार्ट आपका एरोमेटिक हैलाइड होगा, तो इसमें क्या बनेगा सोचो। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और साथ में ये भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन मेजर आप ये मानेंगे, ठीक है, इनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बने हैं कोई फ़ायदा नहीं है, पर ठीक है, जब बोला जाए वुड्स फिटिक तो आपको यही प्रोडक्ट बनाना है, मतलब इसको और इसको जोड़ देना है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा यूज़ क्या करोगे, वही ड्राई एसीटोन, सॉरी ड्राई ईथर, ठीक है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर, ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए थैंक यू।